छठ पूजा में बीएमसी के इन नियमों का अवश्य करें पालन, वरना पड़ सकता है खलल। आदाब, में जिशान शेख और लंतरानी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर भारत सहित बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा इस बार 10 नवंबर 2021 को मनाया जाएगा। छठ पूजा का प्रारंभ 8 नवंबर सोमवार को नहाय खाय से होगा। 3 दिवसीय चलने वाले इस त्यौहार में मुख्य रूप से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मुंबई में भी रहने वाले उत्तर भारतीय, मुख्य रूप से बिहार के रहने वाले लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दौरान मुंबई के जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी, अक्सा बीच, पवई सहित अन्य समुद्री किनारों पर लोगों का भारी हुजूम दिखाई पड़ता है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बीएमसी नगर निगम ने इस पूजा के लिए कुछ नियमों और शर्तों को जारी किया है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। बीजेपी नेता भालचंद्र सिरसाट और विनोद मिश्रा छठ पूजा की अनुमति देने के लिए बीएमसी से मांग की थी, जिसके बाद बीएमसी ने कुछ शर्तों और नियमों के साथ इस मांग को मानते हुए छठ पूजा की अनुमति दी। बीएमसी द्वारा जारी किया गया नियम ये है, जहां तक हो सके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, छठ पूजा के लिए सामूहिक आयोजन से बचें, पूजा के समय भीड़ जमा न करें। भक्तों को मात्र पूजा के लिए ही अनुमति दी गई है, अन्य किसी कार्यक्रम की नहीं। कृत्रिम तालाबों के पास भीड़ ना करें। वार्ड स्तर सामाजिक संस्थाएं कृत्रिम तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। पूजा संपन्न होने के बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा अथवा संस्था को ही कृत्रिम तालाबों को पाटना होगा। पूजा की जगह सफाई के लिए रासायनिक छिड़काव करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ओपन एरिया में पूजा के समय कुल क्षमता का मात्र 50% ही लोग उपस्थित हो, लेकिन अधिकतम 200 लोग से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि बंद स्थानों पर 50% यानी केवल 100 लोग ही एक साथ जमा हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर दस्ता तैयार रहेगा। आवश्यकता के अनुसार श्रद्धालुओं की भी आरटीपीसीआर जांच की जा सकती है। ध्वनि प्रदूषण की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकती है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी न्यूज़ अपडेट करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखते रहिए लंतरानी न्यूज़ लाइव।